अजाज खान और राजेश सिसोदिया, ये एक इतना बड़ा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर कि हर कोई मेहनत करने वाला पीछे है इसके आगे। अगर अब मैं आपको बात कर दूं कि कोई बढ़िया जो कि स्नैक सेवर है, कोई बढ़िया यूट्यूबर है जो कि टेक के बारे में बताता है, लोग ज्ञान के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि जीके नॉलेज और यहाँ तक कि प्रोफेशनल यूट्यूबर जो कि लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा कमाई आज के टाइम पे ये लोग कर रहे हैं। मतलब झगड़ा करके कोई उनको कह दे रहा है कि तू वहाँ मिल, तू उसको कह रहा है वहाँ मिल, ये वो ऐसा वैसी चीज़ें बातों को करके। भैया इतना बढ़िया कंटेंट बनाया है कि आपको मैं बता दूँ, आप मेहनत करके 2 लाख 3 लाख व्यू ला रहे हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातों करके मिलियंस में व्यू ले रहे हैं। इस वक्त सबसे टॉप पे चल रहे हैं ये लोग। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, अभी को क्या टाइम है, इलविश यादव और अदनान और कटारिया, मतलब मज़ा आ रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भाई मुझे क्या है, नई चीज़ें क्रिएट करो। अब लोगों को वो कॉमेडी वीडियोस, वो अच्छी वीडियोस, वो लोगों को एक ट्रेडिशनल एक पारिवारिक वीडियोस अब देखने में मन नहीं लगता, और उस पर व्यू कहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं व्यू? नहीं आ रहे, क्योंकि उस पर 2 लाख 3 लाख बस क्या है, उस पर कुछ नहीं। इस पर करो फाइट, 50 मिलियन 30 मिलियन 20 मिलियन फाइट देख रहे हैं लोग, सब कुछ काम धंधा टीवी एक्टिंग सब कुछ छोड़ के लोग फाइट देख रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। वो लोग एक नया कंट्रोवर्सी ला रहे हैं, अभी कल मिलेंगे हम लोग फिर क्या होगा, और हम लोग उसी को देख रहे हैं, खुश हैं। अरे भाई इनविज अरे भाई बोल दिए, और ये सब चीज़ चलती जा रही है। आज कितने महीनों से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, नोटिस कर रहा हूँ कि अब कुछ बचा ही नहीं। उनके चैनल को खोल रहा हूँ तो उसके ऊपर पहले जैसी वीडियोज़, पहले जैसी कॉमेडीज़, पहले जैसे कुछ अट्रैक्टिव वीडियोज़ थे, वो सब खत्म हो गए हैं। अब बस थंबनेल बन रहा है कि आज वहाँ मिला है, कल उसको मैंने धमकी दी है, कल उसको ऐसा कर दिया। अरे ये सब क्या है, अब वो सब खत्म हो रहा है। भाई आप जब तक ये सब देखते रहोगे तब तक ये सब चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला, तो प्लीज़ इसको ख़त्म करो। अब इस टाइप के वीडियोस को सपोर्ट करना बंद करो भाई प्लीज़।